छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ वो तो है, हम लोग भी अगर दो बच्चे करेंगे तो कम से कम 3 साल का अंतर रखेंगे। बिल्कुल, और इस अंतर से हमारी आधी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ तो चलिए ना, ANM दीदी से मिलकर मैं अपना जांच भी करा लूंगी और प्रसव के बाद के परिवार नियोजन के बारे में भी और जानकारी ले लेंगे। दीदी पिछली बार आपने कहा था कि इस बार आप प्रसव के बाद के परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में बताएंगी। हाँ बिल्कुल बताऊंगी। जैसा कि मैंने पिछली बार भी तुम लोगों को बताया था कि परिवार नियोजन के बहुत सारे तरीके होते हैं और उनमें से कौन सा तरीका अपनाना है उसका निर्णय तो तुम्हें अपने परिवार की ज़रूरत के हिसाब से और परिवार के बारे में खूब सोच समझ कर ही लेना चाहिए, और निर्णय तो तुम लोगों को ही मिलकर करना है। मैं तो तुम्हें प्रसव के बाद के परिवार नियोजन के सभी तरीकों के बारे में बता देती हूँ। परिवार नियोजन के बहुत से तरीके हैं और उनमें से एक तरीका है कॉपर्टी। अगर इसे तुम लगवाना चाहो तो प्रसव के 48 घंटे के अंदर लगवा सकती हो, या फिर बच्चा पैदा होने के 6 सप्ताह बाद या 1.5 महीने के बाद लगवा सकती हो, और इसे 5 या 10 वर्षों के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा परिवार नियोजन का एक और तरीका भी है जिसमें एक इंजेक्शन आया है जिसे हम अंतरा कहते हैं, और ये हर 3 महीने पर लगवाना पड़ता है, लेकिन इसे तुम प्रसव के 6 सप्ताह के बाद ही लगवा सकती हो। दीदी इसे लगवाने के बाद हम अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकते हैं ना? बिल्कुल पिला सकती हो, इससे माँ के दूध या उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। और दीदी प्रसव के बाद के परिवार नियोजन के लिए गोली भी तो होगी ना? हाँ बिल्कुल है, छाया नाम की गोली आती है, अगर तुम लेना चाहो तो प्रसव के बाद ले सकती हो। अगर इसे लेना ही है तो प्रसव के बाद के शुरू के 3 महीने में सप्ताह में 2 बार गोली लेनी होगी, और फिर उसके बाद सप्ताह में 1 गोली लेनी होगी, और इसके अलावा POP भी ले सकती हो, और इन दोनों गोलियों में से चाहे जिस गोली का भी इस्तेमाल करो, इसके साथ ही तुम अपने बच्चे को स्तनपान भी करा सकती हो। अच्छा दीदी, हमें तो ये पता है कि बच्चा पैदा होने के कुछ महीने तक कोई महिला गर्भवती नहीं होती, तो फिर हमें परिवार नियोजन का तरीका क्यों अपनाना? ये बहुत गलत धारणा है गीता। बच्चा पैदा होने के बाद अगर कोई परिवार नियोजन का कोई भी तरीका नहीं अपनाता है तो दोबारा माँ बनने की संभावना हो सकती है, और सोचो इतनी जल्दी कोई दोबारा माँ बनेगी तो उसके शरीर को नुकसान ही तो पहुँचेगा। इसके अलावा तुम लोग कॉन्डम तो जानते ही हो, और जब तुम दोनों को लगे कि तुम्हारा परिवार अब पूरा हो चुका है तो तुम दोनों में से कोई भी नसबंदी करवा सकते हो। लेकिन हाँ ये याद रखना कि नसबंदी परिवार नियोजन का एक स्थायी तरीका है, और इसे तुम प्रसव के बाद भी करवा सकती हो। दीदी ये छाया, अंतरा या POP हमें मिलेगी कहाँ? इसे तुम किसी भी सरकारी अस्पताल या निजी प्राइवेट अस्पताल से ले सकते हो।